ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है, यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वाले को? देखो सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। आप ऐसा करते हमारे रजत जी को आपकी अदालत चलाने देते हैं, गवर्नमेंट अपन बनाते हैं। और अच्छा अगली बात सुनो स्वामी जी, ये जो आप ये जो आप सपने दिखा रहे हैं, अरे अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हमने पढ़ रखा, रजत जी एक बार सुनो। नमस्ते, मैं डॉक्टर संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पत्र दिया डॉक्टर संजय जायसवाल, और आपको मोदी जी का संदेश है कि एक साल जो उन्होंने किया उसका हिसाब देना है। इनसे तो जो था पिताजी से जो भैया सुधीर कुमार है ना, मेरे बड़े भाई, सब लोग अपने अपने जगह पर।